वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं मनाली के बारे में कि मनाली अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कितना खर्चा आ सकता है घूमने का, 4 दिन और 3 रात का। और इसमें हम आपको कवर करके बताने वाले कि होटल कितने तक का मिल जाता है आपको, टूरिस्ट प्लेस कौन कौन से हैं घूमने लायक वहाँ पर, और खाने का खर्चा कितना आ सकता है मनाली में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को बने रहे, वीडियो को लाइक कर दो अभी, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन जरूर दबा देना ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके, ठीक है। अब हम बात करेंगे मनाली, बहुत ही अच्छा जगह है वहाँ पर। अक्सर आप थोड़ा सा ठंडी शुरू होगा तब आप जाएंगे तो बर्फबारी भी पड़ जाती है और काफ़ी मतलब कि अच्छा लगता है। हम अभी रिसेंटली होकर आए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस हैं आपको घूमने के लिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ 4 दिन और 3 रात के लिए बता रहा हूँ, तो सिंपल से चलते हैं पहले टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानकारी जान लेते हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर देखा जाए तो पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है मनु मंदिर, तीसरा है सोलांग घाटी, चौथा है हिडिम्बा देवी मंदिर, ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है, अभी मैं यहाँ पर होके आया हूँ, भृगु झील, और उसके बाद छठा है माल रोड। माल रोड एक मार्केट है, हर चीज़ वहाँ पर मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि भीड़ भाड़ होती है, शाम को देखोगे तो वाकई में कहो कि वाह कुछ अलग ही है। उसके बाद ओल्ड मनाली जाकर घूम सकते हो, और आठवां है अंजनी महादेव। तो ये सब चीज़ें हैं 4 दिन और 3 रात घूमने का खर्चा, सॉरी प्लेस, क्योंकि इतना ही कवर करने में आपका 4 दिन इजीली चला जाएगा। क्योंकि आप जिस दिन ये जो मैं बता रहा हूँ बजट, पहले ये याद रखेगा, जब आप मनाली पहुँच जाते हो उसके बाद जो आपका खर्चा आता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं, ये तो जगह हो गया घूमने वाला, अब इन सभी घूमने वाले जगह को तो आपने देख लिया, अब हम बात करते हैं खाने पीने की, ठीक है, कि खाने पीने में खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो खाने पीने की हम बात करते हैं तो पहला आता है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट हमारे जीवन में एक तरह से ऐसा है कि सुबह सुबह उठते ही आपको चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, या फिर आप आलू का पराठा ले सकते हैं या फिर कुछ भी ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट लेने से पहले हम होटल आपको बताते हैं पहले, ठीक है, पहले होटल के बारे में जान लेते हैं। होटल क्या होता है कि आज के डेट में आप कभी भी कहीं भी आप जाओ तो होटल 2 तरीके से मिलते हैं, या तो आप ऑनलाइन बुक करो या तो आप ऑफलाइन बुक करो। ऑनलाइन होटल आपको मैक्सिमम 800 रुपये से यहाँ पर स्टार्ट है, और ऑफलाइन में जो आप होटल, ये तो आपकी बार्गेनिंग पे आप पे डिसाइड करता है कि आप कितने तक का होटल ले पा रहे हैं ऑफलाइन में। ऑफलाइन में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है होटल खोजना, थोड़ा सा होता है ना कि ऑनलाइन में आप बुक कर सकते हो, लेकिन मनाली में ऑनलाइन होटल आप बुक कर सकते हो, बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आप बुक कर सकते हो। अब होटल बुक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल से हम आपको बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि होटल यहाँ पर स्टार्टिंग 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक का आपको एक रात के एक लोग के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पर हम बताएं कि 800 रुपये से 1500 रुपये, यानी हम मान के चलते हैं कि टोटल हमारा जो खर्चा आएगा होटल का एक रात के लिए वो आएगा 1000 रुपये, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये सब होटल बुक करने से पहले आप हमसे एक बार कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको कुछ गाइड कर देंगे या कुछ ऑफर होगा तो हम आपको बता देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9118191220, इस पर आप अगर मेरे को व्हाट्सअप करेंगे तो शायद मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे खाना का, मैं ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा था, थोड़ा सा मैंने होटल का क्लिप लगाया था तो मैंने भूल गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो सुबह सुबह हमको चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें, ग्रीन टी कुछ लोग पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग ब्रेड ऑमलेट खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में ब्रेकफास्ट सुबह सुबह देखो करना है तो सस्ते में भी हो सकता है, महंगा में भी हो सकता है। सस्ते में मैं बात करूं, थोड़ा बाहर आप निकलेंगे, थोड़ा ठेला वाला या अगल बगल छोटा मोटा रेस्टोरेंट में अगर आप जाएंगे तो चाय अच्छी मिल जाती है आपको, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये के आसपास में आपको चाय बहुत ही अच्छा मिल जाता है, कॉफ़ी भी आपको 40-50 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत महंगा रेस्टोरेंट में चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है उनकी प्राइस ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि 70-80 रुपये का 100 रुपये के कॉफ़ी मिल जाएगा तो फिर आप और भी क्या चीज़ें खा पाओगे। तो हमें ट्रिप को सस्ता करना है तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा बाहर निकलिए, 2-4 रेस्टोरेंट में देखिए जहाँ पर अच्छा रेट्स भी मिल रहे हैं, अच्छी थोड़ा सा भीड़ भाड़ लग रही है तो वहाँ पर खाओ, अच्छा चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम ब्रेकफास्ट मान के चलते हैं वहाँ पर जो हमने गया और खाया पिया, वहाँ पराठे भी खाए, 50 रुपये के पराठे मिल जाते हैं आपको एक, और छोटा छोटा साइज मिलेंगे तो 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट हमने जो हमने किया, मैं अपना अनुभव किया तो 80-90-70 रुपये के आसपास में हो जाता है, लेकिन हम मान के चलते हैं 100 रुपये के आसपास में हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का खाना, लंच और सुबह का ब्रेकफास्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे लंच के बारे में, लंच एक दोपहर का खाना हमारा हो जाता है। अब दोपहर में खाने का खर्चा कितना आएगा, थोड़ा सा वहाँ पर देखो महंगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो नीचे से आता है
तो वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ जाता है खाना। तो यहाँ पर आपको पेट भरने के लिए 250 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। 250 रुपये आप पे करेंगे तो आप पेट भर खाना खा सकते हैं लंच में, ठीक है। अब मैं बात करूँ, यहाँ पर नॉनवेज बहुत ही महंगा है, ठीक है। नॉनवेज इतना महंगा है कि आप ये मान के चलो 200 रुपये के या 150 रुपये पाव आप एक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो नॉनवेज थोड़ा महंगा क्योंकि बहुत नीचे से आता है ये सब चीज़ें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, तो नॉनवेज ना खाएं तो अच्छा रहेगा, बाकी वेज वेज खाएंगे तो आराम से आपका 250 रुपये में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो डिनर रात का खाना, रात का भी खाना आपका कम से कम 250 रुपये में आराम से ईजिली हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 250 रुपये हमारा खाना हो गया रात का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ट्रेवल कॉस्ट। ट्रेवल कॉस्ट की मैं बात करूँ तो मनाली में ज़्यादातर यहाँ पर मनाली में आप ट्रेवल कॉस्ट की हम बात करें तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। प्राइवेट टैक्सी आप लेते हैं, अगर आप खुद लेते हैं मतलब कहते हैं ना रिजर्व करते हैं तो वो काफ़ी महंगा हो जाता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा जो यहाँ पर प्लेसेस हैं वो बहुत ही नज़दीक है, आप 5 से 6 किलोमीटर के अंदर में मतलब अधिकतर प्लेस आपको मिल जाएगा घूमने वाला। और जो दूर दूर है तो उसके लिए प्राइवेट व्हीकल ले सकते हैं या फिर शेयरिंग में या फिर बस से आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक बार वहाँ पर जाके आप पता करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट इसका कितना आ सकता है। 2500 रुपये के आसपास में आपको कॉस्ट आ सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि हाँ इतना ही आएगा, लेकिन ये एक अनुमान आप कर सकते हो, ठीक है। अब खर्चा कितना आ सकता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो पूरा खर्चा मनाली की जो ट्रिप हम करेंगे, तो पहले हम आएंगे कहाँ पर, खाना का। तो खाना का हमारा आपको बताया 250 रुपये लंच का, 250 रुपये डिनर का, 100 रुपये हमारा वो आ जाता है, ठीक है, या 80 रुपये भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो हमारा 2400 रुपये खाने का आ जाता है 4 दिन का, ठीक है। 2500 रुपये ट्रेवल खर्चा यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद होटल हम 1000 रुपये का रखेंगे तो 3 रात का होटल आ जाता है सीधे 3000 रुपये, ठीक। अब टोटल जो हमारा खर्चा आता है वो आ जाता है सीधे 7900 रुपये, ठीक है। ये मैक्सिमम और मिनिमम ये दोनों आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाना खा रहे हैं, किस तरह से आप रेस्टोरेंट में जो खाने की चीज़ें वो ले रहे हैं, किस तरह से घूम रहे हैं, किस तरह कितना अच्छा होटल ले रहे हैं कि कितना महंगा होटल ले हैं, कितना सस्ता होटल है, सब चीज़ें आप पे डिपेंड कर रहा है। ये जो 8000 का आपको अमाउंट दिख रहा है 7900, ये और भी महंगा हो सकता है अगर आप अपने हिसाब से खाएंगे पिएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें खाएंगे रेस्टोरेंट में तो वो बढ़ जाएगा इसका कॉस्ट। अगर आप एवरेज करके चलेंगे तो ये इससे भी और भी कम हो सकता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये 8000 रुपये के आसपास में आ रहा है। तो ये मान के चलो अगर आपको मनाली ट्रिप करना है तो कम से कम 15000 रुपये के मान के चलना है, ठीक है। हम तो कहेंगे 20000 22000 रुपये 25000 रुपये लेकर चलें एक लोग के, ताकि जो पैसा आपका बचा रहेगा वो आपके ही पास रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका इतना खर्चा आ सकता है, ये मिनिमम जो मैंने जाकर वहाँ पर एक्सपीरियंस किया। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी ये ऊपर नीचे हो सकता है और ये जब आप मनाली में एंटर करते हैं तब ये मैं आपको बजट बताया। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।